हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय रघु में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ आज की वीडियो में जो इंटीग्रेशन है, ठीक है। आपको मैं बेसिक से पहला बता चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है आपको कितना प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है इनडिफिनिट, ठीक है, एक होता है इनडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट, ठीक है। एक होता है इंडिफिनिट और दूसरा होता है डिफिनिट। तो इंडिफिनिट में यह होता है कि इंटीग्रेशन का साइन यह होता है, क्लियर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो यहाँ पे अगर कोई लिमिट नहीं देंगे तो वो क्या होगा, इंडिफिनिट। और यहाँ पे ए से लेकर बी तक दे दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे कोई फंक्शन होगा डी एक्स होगा, तो ये हो गया डिफिनिट, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा और डी एक्स हो गया, तो ये हो गया इंडिफिनिट। तो इस प्रकार से होता है। हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद जैसे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा और प्लस में सी लिखा जाएगा, ठीक है। इसका कुछ बदल जाएगा, मान लीजिए कि ट्रायंगल बन जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ऐसा होता है। और आपको बताया था कि आप एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, अपोजिट ऑपरेशन होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आपको बेसिक ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ये याद रखना होगा, इसी फॉर्म पे आपको क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम इसमें क्या करते हैं, इसको हटा के अब हम एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन, पहले हम एक को लेते हैं, एक तो क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें आपको कॉस है और यहाँ पे 2x प्लस में 3 है, ठीक है, कितना है, और इसका इंटीग्रेशन करना है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 ही है, ठीक है, 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे इसका भी इंटीग्रेशन आप इसको हटा के ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बाद में बताएंगे। पहले इसको आप जानिए कि cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला से आ जाइए, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन सीधा साइन होता है, यहाँ पे साइन लिख दीजिए, प्लस में c हो गया, ठीक है, साइन x प्लस में c, साइन x प्लस c हो गया। ऐसा ही एग्जाम्पल हम करेंगे कि मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, क्या लिखेंगे कि साइन 2x प्लस 2x dx है, ठीक है। साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, ये भी माइनस में, और यहाँ पे 2x, ये क्या है फंक्शन, देखिए यहाँ पे 2x है, x से वाला में क्या है 2x, फंक्शन हमारा क्या है कि x के जगह पे कुछ कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि दोगुना कर दिया x का, तो वो 2x का 2x तरीक दिए कॉस में जाके, मतलब साइन का फंक्शन जो है वो कॉस में ले गया, ठीक है। और यहाँ पे x के जगह पे 2x हो गया, तो x के बारे में कुछ मल्टीप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसको फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एक फार्मूला नया बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि त्रिकोणमितीय फंक्शन के एक्स होगा, ठीक है, के एक्स होगा, ऐसा लीजिए के एक्स डी एक्स रहेगा, तो आप यहाँ पे त्रिकोणमिति, ठीक है, ये छोटा सा टी ले लीजिए, छोटा सा त्रिकोणमिति फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, तो बदलेगा ना, तो बड़ा बन जाएगा, मतलब साइन से कॉस होगा तो ऐसा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे के एक्स तो होगा ही, और साथ में के कांस्टेंट बगल में हो जाएगा प्लस में सी, एक नया फॉर्मूला है जो कि आप त्रिकोणमिति में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। वैसा ही आपको एक चीज और आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इस तरह से कई जगह आएगा, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट होगा ना, एक्स का कॉन्स्टेंट मतलब कोएफिशिएंट, वो नीचे आएगा डिवाइड में, तो इतना आपको याद रखना होगा, तो यहाँ पे प्लस में सी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल में यहाँ पे लेते हैं तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे लिए थे हम कॉस और यहाँ पे 2x प्लस में 3 लिए थे और ये डी एक्स है, ठीक। तो आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और यहाँ पे साइन हो जाएगा कितना 2x प्लस में 3, ठीक है, 2x प्लस में 3 हो जाएगा। अब 2x प्लस 3 हो गया तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो गया, तो एक कॉन्स्टेंट जो होता है ना x के बगल में कॉन्स्टेंट क्या है 2 है, तो वो 2 नीचे आएगा, 3 नहीं आएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे x के बगल में जो था वही नीचे आ गया, और यहाँ प्लस में c लिखेंगे, क्लियर। आई होप आपको इस तरीके से समझना आता होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं क्वेश्चन, जैसा कि है इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस में 2x है, इसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल चौथा, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इसको ऊपर लिखिए, ठीक है, ये नीचे वाला भाग जो है ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप ये भी याद रख सकते हैं
कि 1 बाय जो x है वो क्या होता है, लॉग में होता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आप डायरेक्ट लॉग में लिख सकते हैं कितना, तब 4 माइनस में 2x। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, x बराबर माइनस 2 है, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे में, प्लस में c। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है और बनाना आसान है। ठीक है, आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत बनेगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप इतना तक नोट करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और भी मैं आगे देखता हूँ एग्जांपल, और भी एग्जांपल देख रहे हैं। जैसा कि आपको एक चीज और पता है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है, मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ k है आई इंटू में x है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है, या इसके जगह पे ये लिखिए k इंटू में फंक्शन ऑफ x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ देखिए, जैसा कि कोई कॉन्स्टेंट दे देगा, एग्जाम्पल में अगर देखा जाए कि मतलब 5 है और यहाँ पे साइन 2x है और dx है, ठीक है, तो ये जो 5 है ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, 5 क्या है, कॉन्स्टेंट है, 5 को बाहर कर लीजिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2x और dx हो जाएगा। ठीक है, 5 बाहर हो गया, कॉन्स्टेंट था इसीलिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अंदर हो जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि k को बाहर कर लीजिएगा और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसा भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 हो गया, साइन का कितना आ जाएगा, कॉस हो जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, तो पीछे माइनस लगा दिए, 2x है, 2x नीचे में हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट 2 प्लस में सी। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, बहुत मजा आएगा बनाने में। और कैलकुलस को आप बढ़िया से पढ़िए, कुछ लोग जो है ना बहुत हार्ड समझ लेता है, ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है। हम चाहते हैं कि ऐसा ही कैलकुलस हम बार बार बनाए। ठीक है, तो इतना नोट करें, हम इससे आगे भी थोड़ा देखेंगे और। ठीक है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इससे पहले वाला पार्ट वन नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जाके आई टी वार पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आई टी वार पे जाके आप क्लिक कीजिए, आप देख लीजिएगा, और साथ में बहुत सारा वीडियो हम अपलोड पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारा वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं, आप उसको जाके देखें। ठीक है, आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और उससे पहले पीडीएफ वाला भी था, इसलिए पीडीएफ वाला नहीं अच्छा लगता, तो मैं आपको इस तरीके से बोर्ड पे समझा के आपको बताऊंगा। सो हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहे हैं वो पूरे इंटीग्रेशन आपको बोर्ड पे बताएंगे। सो इस प्रकार से आपको ये नोटिस करना है कि आप लोगों को कमेंट करके दिखाइए मुझे कि आप लोग क्या चाहते हैं, एनसीईआरटी का सोल्यूशन या आरएच सवाल का सोल्यूशन। ठीक है, तो आरएच सवाल का सोल्यूशन भी आप बना सकते हैं और एनसीईआरटी का। हम यहाँ पे रेगुलर चल रहे हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिएगा कल कमेंट करके कि आपको कौन सा बुक अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसी बुक के हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x है प्लस में 4 है, इसके पावर में 10 है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये कोई एग्जांपल है। अब देखिए, यहाँ पे कोई फंक्शन हमारा क्या है, 3x प्लस 4 है। ठीक है, फंक्शन x में तो है ना, उसके पावर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बेसिक पावर फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, इस पूरे को मान लीजिए, सपोज डेट कर लीजिए, सपोज करिए कि ये क्या है हमारा, x है। ठीक है, x है, तो x के पावर में 10 है, n के जगह पे 10 है। ठीक, x के पावर में n के जगह पे 10 है, तो यही फॉर्मूला सेम लगाइए अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पावर जो है